सेवक जन मन पर तक गुरु निस्तार बिन भगती
सब होए खुआर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो गोंड राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी के पवित्र मुख तो उचारण होया, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 865 अंग ते दर्ज है। इस दी विचार ज्ञानी रजिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव पिता महाराज जी का पवित्र प्रकाश गुरपुरब है। आप समूह संगतां नूं, समूह नानक नाम लेवा नूं, समुचे सिख जगत नूं लख 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 वधाइयां होण। पिता श्री तेज पान जी दे घर माता सबराई जी दी कुख तो 31 मार्च ₹1504 दे विच सतगुरु जी का आगमन होया। नगर है मत्ते की सरां। गुरु अंगद देव पिता महाराज जिन्हों का नाम भाई लहणा जी सी और उन्होंने जो सेवा की है उन्होंने सचमुच गुरु नानक दी करनी नू सतगुरु जी दी बाणी नू अपने जीवन विच इस कदर कमाया सी कि सतगुरु जी ने उन्हां दीआं परिक्रमा कीतीआं और उन्हां दे चरणां ते मत्था टेक दित्ता। आख्या लैणे आ तेरी करनी अगे मेरा भी सीस झुकदा है। अपने अंग ला के अंगद प्रगट कर दिता और अपनी जोत जुगत दे के अपनी गद्दी ते विराजमान कीता। सो ऐसे सतगुरु जी का अज प्रकाश गुरपुरब है। अज इसे स्थान ते गुरमुखी दिवस 9 बजे तो लैके 2 बजे तक मनाया जाना है और सरोवर वाले पासे जो पौड़ियां दी सेवा है उसका लेंटर पैना है। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशा प्राप्त करनिया जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। अदब सहत गुरफतेह दी सांझ करो। गज बज के बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाला प्रीतम 8वें पातशाह तन तन गुरु हरकृष्ण साहिब सचे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र मुकद्दस सचखंड दरबार गुरद्वारा बंगला साहिब जी दियां हाजरियां भरदे होए आप जी ने रब्बी बाणी
आसा दीवार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते हन। लड़ीवार गुरशब्द दी विचार दा समा है अज, क्योंकि धन गुरु अंगद देव सचे पातशाह दर्शन परसे है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए जिन्ह की सिफत सलाह दे विच पट्टा ने यह सवैया उचारण किया है। अगर वो अमै दृष्टि कर देन, अमै दृष्ट शुभ करे, हरे अग पाप सकल मल, उन्हां दी अमृतमई दृष्टि अमृत झरदा है दृष्टि दे विच्चों, सारे पाप दूर कर देंदे हन। काम क्रोध लोभ मोह बस विच आ जांदे हन अगर उन्हां दी कृपा हो जावे, मेहर हो जावे, जिदे उपर हो जावे वह वस दे विच कर लैंदा है। और पट जी कहिंदे ने कि ऐसे गुरु नू सिमरिए, ऐसे गुरु दा ध्यान धरिए, सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए। दिन रात ऐसे गुरु नू सिमरना चाहिदा है, सदके जाना चाहिदा है, बलहार जाना चाहिदा है गुरु तों। जिवें सिंह साहब जी ने दसिया, उस गुरु दी करनी, उस गुरु दी कमाई, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान पालिया, लै धूर मुख लावा, गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्यावा, जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। खडूर साहब दी ओ पावन धरती जो कर्म भूमि है धन गुरु अंगद देव सचे पातशाह महाराज जी दी, गुरसिखी दी काल कमाई करतारपुर दी धरती दे उपर, जिथे पहली वार धन गुरु नानक देव सचे पातशाह महाराज जी दे नाल भेट वार्ता होई, दर्शन कीते, मत्ते दी सरां उन्हां दा प्रकाश है। जिथे जिथे भी गुरु महाराज जी दे चरण पए ने, जिथे जिथे भी वो गए उस धरती नू भाग लग गए, सा धरती पही हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा जाए, से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया आए। वो जी जंत भी धन भागा वाले, वो धरती भागा वाली, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, जिन्नी डिठा तिन्ना पिछे लए छड़ाए। वो पिता धन है, वो माता धन है, वो गुरु धन है, उदे नाल हर एक जुड़िया होया धन है, धनता योग है, असी धन हाँ जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का अज पुरब मनाण वास्ते जुड़े हाँ बाला प्रीतम महाराज जी दे पवित्र अस्थान ते, साहिबे मकबूल, साहिबे कमाल, साहिबे कुल आलम, चवर शतर तख्त दे मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी का आनंद माणदे होए, आओ प्रेम दे नाल सतगुरां दे पावन इतिहास और गुरशब्द दी विचार दे नाल सांझ पाईए। विचारां नाल जुड़दे होए मन दी एकाग्रता अते टिका वास्ते करो रसना पवित्र, आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। फिर प्यार श्रद्धा भावना नाल उचारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु। नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने एहो जे गुरु तो सदके जाइए, बलहार जाइए, जेड़ा आप मुक्त है और मैनू तारन वाला है, सानू सारियां नू तारन वाला है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए।
ऐसे गुरु की करनी तो ऐसे गुरु की कीर्ति तो सदके जाइए बलहार जाइए ता ही तो बार बार गुर भगती की ये भावना सतगुरां के पावन शब्दों के विच्चों बाणी के विच्चों पढ़न नू सुनन नू प्राप्त हुंदी है मिलती है। बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। सच है महाराज कहिंदे ने मैं अपने गुरु तो बलहार जाना हाँ दिहाड़ी दे विच सौ सौ वारी हजारां वारी क्यों सदके जाना हाँ क्यों बलहार जाना हाँ क्योंकि जिन मानस ते देवते किए जिसने मानसा तो देवते बना दिता मनुखा तो देवते बना दिता एक मनुख बनना ये बड़ी वड्डी गल है। मनुखा तो बाद देवत्या वाला सुभा वो शुभ गुण वो चंगियाइयां वो शिष्टाचार दया निम्रता हलीमी ये सत गुण प्राप्त हो जाने देवत्या वाले ये देवते बनना है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने मनुखा तो देवते बना दिता है। ये सच्चे पातशाह ने आप इकशाफ किया है अपनी बाणी दे राही जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार और उन्हों ऐसा करद्या वार नहीं लगती देरी नहीं लगती वो जो अपनी कृपा करता है मेहर करता है सुभा जो पिछले भावें पक्के भी क्यों ना होन वो पिछले सारे सुभा प्रकृति नू बदल के रख दिंदा है। वो दे अंदर ते समर्था वाहगुरु वाली माया दे सुभा नू बदलन वाली भी है। किवें बाणी दे विच आउंदा ने ना कि उस वाहिगुरु ने अपने प्यारे भगत दे वास्ते माया दे सुभा नू बदल दिता जल तार जल ज्वाला पह राखियो राजा राम माया फेरी वो माया नू भी फेरन दा ताकत शक्ति समर्था रखदा है। मनुखा नू बदलना मनुखा दे सुभावां नू बदलना उन्हां मुरदियां दे विच जान पा देनी जिहड़े आत्मिक तौर ते मरे होए उन्हां भुल्लियां भटकियां नू जिहड़े कुराहां ते पए होए होर होर राहां ते पए होए एक प्रभु दी याद नू एक प्रभु दे सिमरन नू भुल के विशियां विकारां दे विच जिहड़ी अपनी जिंदगी गलतान होई बतीत करदे ने भुल्ले मार्ग जिने बताया भूले मार्ग जिने बताया भूले मार्ग ऐसा गुर वड पागी पाया ऐसा गुर वड पागी पाया ऐसा गोर वड पागी पाया ऐसा गोर वड पागी पाया भूले मार्ग जिन्ह बताया भूले मार्ग जिन्ह बताया जिस गुरु ने सीधे राह दे उपर पा दिता उस गुरु तो सदके जाइए उस गुरु तो बलहार जाइए। बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। ते सच्चे पातशाह कहिंदे ने जे सौ चंदा उगवें सूरज चढ़ें हजार
इत्ते चानण होंदे आ गुर बिन घोर अंधार। जिंदगी दे विच हजारां ही सूरज चंद्रमे चढ़े होण, कईआं विशिआं दे विच महारत होवे सानू, बड़े वधिया पढ़े लिखे होइए, दुनियावी विद्या दे सूरज दुनियावी विद्या दे चंद्रमा जितने मर्जी चढ़े होण जीवन दे विच, जे सौ चंदा उगवें सूरज चढ़ें हजार, पर इन्ना चानण होंदिआं भी इन्नी दुनियावी विद्या दे ज्ञान होंदिआं होइआं भी सूरज और चंद्रमा ज्ञान दे प्रतीक ने। तो इहदा मतलब यह है कि जिन्ने मर्जी असीं बाहरी तौर ते दुनियावी तौर ते पढ़े होइए, पर जे गुरु की आत्मिक विद्या का सूरज जीवन दे विच नहीं चढ़िया, जे ये ज्ञान नहीं होया, जे ये आभास नहीं होया मन आत्मे नूं, तां फिर हनेरा ही हनेरा है जीवन दे विच। इत्ते चानण होंदे आ गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवै, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै, गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटह सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करहो, गुरु सत काव नल कह जिन गुरु ना देखियो नह कियो, ते अक्यथ संसार मैं। उन्हां दा जीवन व्यर्थ है संसार दे विच, पट नल जी कहिंदे ने, जिन गुरु ना देखियो नह कियो, जिन्ने गुरु नू देखिया गुरु दे दर्शन नहीं कीते ते गुरु नू तारण नहीं कीता, जिसने गुरु दा ज्ञान प्राप्त नहीं कीता अपने जीवन दे अंधकार नू नहीं मिटाया गुरु ज्ञान चानण दे नाल, उहदा जीवन व्यर्थ है। ते भागां वाले हन जिहड़े गुरु दे दर्शन करदे हन, जिन्हां ने अपने जीवन दे विच दर्शन देख जीवां गुर तेरा, दर्शन देख जीवां गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, भागां वाले ने ओह जिहड़े ये अपने जीवन च धारणा बना के रखते ने, हे महाराज हे मेरे सच्चे पातशाह, हे गरीब नवाज, मैनू भुले भटके नू सीधे राह ते पाण वाले, मैनू जीवन दा सही मार्ग दसन वाले, मेरे मार्गदर्शक, मेरे मुक्ति दाते, मेरे जीवन दाते, ये सच्चे पातशाह मैं सदके हाँ बलहार हाँ, मैं तेरा दर्शन कर करके जीउंदा हाँ, मेरी जिंदगी मेरा जीवन तेरे तो बिना अधूरा है। वो रोज़ गुरु दर ते आउंदे ने, उन्हां दी घड़ी नहीं लंघदी, उन्हां दा पल नहीं लंघदा, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिली है प्रिय तुध भगवंता, मोहे रहण ना विहावै नींद ना। वो मस्या संगरांदा नूं नहीं उड़ीकदे कि कदों आवेगी ते कदों जावांगे, वो कहिंदे ने एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, मेरी ते घड़ी नहीं लंघदी तेरे तो बिना, मेरा ते पल नहीं लंघदा तेरे तो बिना। उन्हां नूं कुछ भी चंगा नहीं लगता, एहो जे गुरमुख एहो जे नाम रसीए गुरु परायण जीवन जीवन वाले रहण वाले अक्सर ये गल्लां करदे ने, कदे कदे घड़ी खुंज जावे अपने किरत करमां दे कारण, आखते ने अज गुरुद्वारे नहीं गए, अज चंगा नहीं लग रहा, उन्होंने कुछ भी चंगा नहीं लगता। ये आत्मिक अवस्था उस दे सही पुट्टे हुए कदम की प्रतीक है। इदा का एहसास, इदा का महसूस होना जड़ा है, ये समझ लैना कि ये गुरु की कृपा बरस रही है, ये वाहगुरु की मेहर हो रही है, जो इदा का एहसास है। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी जिन्हां दे जीवन तो ये भावना
सिखी दी कमाई सिखी की है अज उन्हां दा पावन प्रकाश पुरब मना रहे हाँ। सिंह साहब जी ने भी दसिया कि किदां उन्हां ने किरत किवें कमाई किवें घालना कीती। असी तो रोज़ शब्द सुनते हाँ, रोज़ बाणी सुनते हाँ, कीर्तन दरबार होंदे ने, मुबारक ने सब, पर सच जाणियो जिस दिन भाई लहणा जी घर का नाम है, लहणा जी ने खडूर की धरती के उपर, क्योंकि मत्ते की सराह तो कुछ कारणों के कारण उस नगर नू छड़ करके खडूर आ वसे सन, ते इत्थे बाबा फेरू मल जी दुकान करते सन, इत्थे परिवार रहिंदा सी। रोज़मर्रा की तरह पिंडा थावां दे विच उस वेले टोबियां दे उपर लोक नाणा, टोबियां दे उपर छप्पड़ां दे उपर ही पशुआं नू जां होर पाणी वरतों विहार जिहड़ी सी ओह करनी, कपड़े धोने नहाउणा धोणा सब छप्पड़ां टोबियां दे उपर ही होया करदा सी, जां जल दे जिहड़े वगदे स्रोत आस पास होंदे सन नगरां पिंडां दे उत्थे खूह इत्यादिक होंदे सन पीण दे वास्ते पाणी दे लई, ते जिहड़ा इस तरह का हुंदा सी कपड़े धोने नहाउणा धोणा पशुआं नू पिलाणा ये छप्पड़ां टोबियां ते ही हुंदा सी। रोज़ की तरह टोबे तो इशनान करके निकले ने, ते भाई जोध जी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे प्यारे अनिन सेवक सिख नेम दे नाल, जिहड़ा गुरु का सिख है ना वह नेम नहीं छड्डदा अपना, उन्हों गुरु का हुक्म है अमृत वेले उठना, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का यह हुक्म सी, उठ के इशनान करना, इशनान करके निरंकार दी वाहगुरु दी अकाली बाणी सिफत सलाह दी बाणी का पाठ करना, उस तो बाद अपनी दिनचर्या आरंभ करनी, ये गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे वक्त तो ही नेम सी। जोत जी बाणी पढ़ रहे सन, वाहगुरु दे चरणा च ध्यान जोड़ करके एकाग्र हो करके आसा दी वार दी पावन बाणी दे ये शब्द भाई लहणा जी दे कन्ना दे विच पाए, जिच सेवियां सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना साकाल बुरी क्यों घाली है, मंदा मूल ना कीचई दे लम्मी नदर निहाली है, ज्यों साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है कि शलाहे उपर काली है। बड़े प्यार दे नाल पढ़ रहे सन। मैं एक बेनती करा, बाणी पढ़न लग्या ये जरूर ध्यान रखो, एक तां एकाग्रता, एक बोल बोल के पाठ करो, बोल बोल के पाठ करन दे नाल ना तुहानू ही लाभ नहीं होवेगा, जिहड़े आले दुआले सुनदे ने उहनां नू भी लाभ मिलेगा। असी मूँह दे विच करांगे ठीक है सानू लाभ होएगा, पर कई बार देखीदा है कि उहदा सानू भी लाभ नहीं हुंदा, क्योंकि एकाग्रता नहीं है, मन नहीं है, मन तां सिर्फ एक जिहड़ा असी कहने आ नेम उस नू पूरन वास्ते बद्दे चट्टी वाली गल बन जाती है, तो याद रखना बद्दा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार, बद्दी चट्टी वाली जिहड़ी गल हुंदी है ना उहदा कोई उहनू लाभ हुंदा है ते ना किसी दूजे नू लाभ हुंदा है जिहड़ा कर रहा है। प्रेम दे नाल मुस्करा मुस्करा के उच्ची उच्ची बोल के पाठ करना है गुरबाणी दा, जिहड़ा शब्द बोल रहे हैं जिहड़ा शब्द पढ़ रहे हैं अंदर उस नू महसूस करिए इस शब्द दे राही की सिखिया सच्चे पातशाह सानू दे रहे ने, की ज्ञान बख्श रहे हैं, ये वो ज्ञान जिहड़ा मन नू दे रहे हैं जिहड़ा अपने आप नू दे रहे हैं सुना रहे हैं, जिहड़ा शब्द जिहड़ी बाणी आले दुआले को टुरिया जांदा किसी दे कन्नी पै जावे ते उहदा भी भला हो जावे, उहदा भी पार उतारा हो जावे। भाई जोध जी वो गुरमुख वो गुरसिख ने जिन्हां दे कोलों भाई लहणा जी जिन्हां दे निरंजनी शतर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने चुला दिता वो गुरसिख हन, वो गुरमुख ने जिन्हां दे कोलों अज बाणी सुनी है।
ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਹਿ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਰਸੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਕੀ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਨੇ? ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਹਿ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲੀ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰੁਸਤ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਘਾਲ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਧ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰਸ, ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਰਸ ਘੁਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੋਤ ਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
मन दे विच उस दिन विचार कर ली कि जदों देवी दे दर्शनां नूं हर साल जाया करदे सन, जदों पिता जी चढ़ाई कर गए बाबा फेरू मल जी, तो ये जिम्मेवारी उन्हां दे उपर आ पई सी। ये सारे आले दुआले दे लोकां नूं इकट्ठियां करके ते देवी दे जाना, रस्ते दे विच ये नगर पैंदा सी। मन दे विच सोचिया कि क्यों ना जदों समा मिले अगाऊं जान लग्या तां जरूर उन्हां दे रस्ते दे विच दर्शन करके जाना है। कृपा हो गई वाहिगुरु दी, वाहिगुरु दे मिलाप दा चा पैदा हो गया। ये समझ लो ये कृपा हुंदी है। जदों असीं बाणी सुनदे हां, बाणी सुन के जदों भावां दा पता लगदा है ते भावां दा समझ करके जदों उस बाणी दे अनुसार असीं कर्म करन लग पैंदे हां, त्यों त्यों साडा जिहड़ा है ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਕੰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਯੋਧ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਜੇ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਦਮ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗਲ ਵਾਂਢੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੈਵੀ ਨੂਰ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਮਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਮਾਲ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੈਵੀ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ,
ताहे गुर सर्ब निधान दान देत है। प्रेमा भाव दे नाल कोई एक कौडी भी गुरु दे चरणा दे विच भेटा करता है तो सारे ही खजाने उसनू गुरु बख्श दिंदा है। गुरु ओ देवान देव है, उस गुरु की महिमा बेअंत है। सतगुरु दया निध महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 है। उसकी महिमा तो कोई जान ही नहीं सकता। नेत शब्द का मतलब है जिन्ना क मैं जाणिया है उस तो भी अगे है। नेत नेत नेती नेती, जो कुछ मैं जाणिया जो कुछ मैं समझिया है इत्थे ही बस नहीं है, इत्थे ही विश्राम नहीं है, इत्थे ही फुल स्टॉप नहीं, इस तो भी अगे है। गुरु की महिमा सतगुर दया निध महिमा।